जो पीछे का इसका व्यू है ना वो बहुत ज्यादा प्यारा है ना। अगर आपको आना है बोरीवली से आओ, गोराई बीच से आओ, 50 रुपए की जेट मिलती है वहां से आओ। बट देखो यार कितनी बड़ी बेल है यहाँ पे, देखो ऐसे बजती है। एक मिनट बेटा बजाना, धुम धुम, कितनी पीसफुल इसकी आवाज है ना जो बाद में सुनती है। देखो आप ना मेरी बिल्कुल नानी की तरह लग रहे हो। हाँ, नानी की तरह। मेरी नानी की तरह लग रहे हो। हाँ। आ रही है ना। हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई? आज की वीडियो में स्वागत है ना यार। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बहुत ही खतरनाक जगह पे हम लोग जाने वाले हैं, जो बहुत ही प्यारी बहुत ही पीसफुल जगह पे जाने वाले हैं, है ना। दो चार मेरे साथ बंदे हैं जो भी अपने खास हैं, मैं उनसे इंट्रोड्यूस करवा दूं आपको सबसे पहले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मीट कासिम भाई। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? सो मिस्टर कासिम शाह फॉलो करो इंस्टा पे जाके। देन उसके बाद एक हमारा छपरी सॉरी अपना भाई नीरज क्रेजी ब्लॉग, है ना, सब्सक्राइब करो। इससे पहले मुझे करना गाइस, मैं हूं छपरी। अच्छा, मेरे को लगा ये बोला मैं हूं चूतिया। देन उसके बाद मिलो हमारी भाभी से, डिंपल से। हाय हाय, बोलो बस डिंपल हाय। अच्छा एक मराठी में सॉन्ग है ना, कैसे डिंपल तेरे गाला भरी दीवाना मलाली करते। सुनाना नहीं ऐसे तो कैसे है, सुनाना एक बार। कैसे डिंपल पड़ते गाला भरी दीवाना मलाली करते। देन उसके बाद मिलो हमारे सबसे खास स्पेशल हमारी एकता से, जो काफी लेट हो गई थी, लेट करवा दिया इसने हमें। तुम्हारी वजह से लेट, तुम्हारी वजह से लेट हुए हैं, तुम्हारी वजह से। एकता बोला तो हम लोग जा आ रहे हैं ना। यहाँ पे ना एक बहुत ही प्यारी जगह है, बुद्धा टेंपल, जेट्टी। जेट्टी से उसके पास जाएंगे, तो दूसरी साइड में आपको बता दूं कौन सी जगह जा रहे हैं हम लोग। जा रहे हैं इस जगह पे जो इंडिया का सबसे बड़ा, इंडिया का बोल सकते हैं, इंडिया का सबसे बड़ा जो टेंपल बना हुआ है बुद्धा टेंपल, वो है वहाँ पे जाएंगे। देन उसके बाद जाना कैसे है, जेट्टी कैसे करनी है, कितने रुपए लगेंगे, वो सब मैं आपको बताऊंगा डिटेल्स में। तो वीडियो के साथ बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना, मजा आएगा बहुत ज़्यादा। इसलिए ये वाली जेट्टी है जिसमें हम लोग जाने वाले हैं, इसका कुछ 20 रुपये या 30 रुपये कुछ होगा इसका चार्जेस, जो भी होगा। बहुत ज़्यादा बाइक भी जाती है इस पर, हम लोग चढ़ेंगे इस पर। देखो बाइक सारी है, बुलेट बाइक। फाइनली बोट पे चढ़ गए हैं, कासिम भाई अंदर बैठ गए हैं ना, अभी यहाँ से जाएंगे। इधर इनका फोटो शूट चल रहा है। करो आई लव यू, बोलो बोलो आई लव यू, आई लव यू, मत बोलना आई लव यू। जिस चीज का हमें इंतजार था ना वहां पे मैं पहुंच गया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। इतनी प्यारी जगह, इतनी प्यारी जगह है, मतलब बहुत ही यूनिक जगह है, है ना। सबसे पहले मैं आपको ऐसे ही दिखाता हूँ, देन उसके बाद थोड़े हम लोग सिनेमैटिक में देखेंगे। काफी ज्यादा प्यारी जगह है, पता है यार, मैंने सोचा नहीं था इतनी जगह अच्छी होगी यहाँ पे। ये मुंबई में एक हिडन प्लेस कैसे बना दी, मेरे को समझ में नहीं आया। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे, अंदर चले। बहुत ज्यादा प्यारी जगह है, बहुत क्यूट है, बहुत ज्यादा। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग पीस के लिए आ सकते हैं, बहुत शांत माहौल है, बहुत अच्छी जगह है। हाँ तो चले चलते हैं अंदर, है ना, देखते हैं इसमें क्या क्या है अंदर, क्या नहीं है। चलो, ऐसा लगा आपको? ऐसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कितना प्यारा मंदिर है, बहुत ज्यादा प्यारा। ये लोग मेरे से कम है, इतनी तारीफ मत किया करें, मैं चने के झाड़ पे चढ़ जाऊंगा, फिर बोलेगी ये कर दिया वो कर दिया। नहीं सच्ची में आपसे बहुत बहुत ज्यादा कम, पर खूबसूरत है जगह यार, बहुत प्यारी जगह है। सो फाइनली हम लोग एंटर हो गए अंदर। सो मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे लड़कियां के ना शॉर्ट्स वगैरह अलाउड नहीं है। सो आप जो भी आओ फुल कपड़े पहन के आओ। मैं दिखाता हूँ, जो हमारे साथ आई थी डिंपल, है ना, तो उसने शॉर्ट्स स्कर्ट पहना हुआ था। मैं दिखाता हूँ अभी उसने क्या पहना, बहुत प्यारी लग रही है। देखो इधर ये बंद है, कितनी प्यारी लग रही है यार, बहुत प्यारी लग रही हो यार कसम से। तुम भी पहन लो एकता, तुम भी पहन लो, सुनो तुम भी पहन लो, अरे पहन लो बेटा, बच्चे पहन लो, बहुत प्यारी लग रही है कसम से। इधर क्या करना है, बहुत ज्यादा ऐतिहासिक चीजें बनाई हुई हैं, जैसे कि घंटा है, मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत बड़ी बैल है, वो बजानी पड़ती है। इधर भी कुछ अच्छा बहुत है मस्त वाला ना, जो पीछे का इसका व्यू है ना वो बहुत ज्यादा प्यारा है ना। अगर आपको आना है बोरीवली से आओ, गोराई बीच से आओ, 50 रुपए की जेट मिलती है वहां से आओ। बट साइड से मत आना, बिकॉज इधर पैसे ज्यादा लगते हैं। हम बट साइड से आगे गलती होगी, 500 रुपए एक्स्ट्रा लग गए हमारे, चलो कोई बात नहीं, लग गए। बट बहुत प्यारी जगह पे आए हैं, फिलहाल हम चलेंगे अंदर, देखेंगे अंदर कौन सी चीजें हैं। यहाँ पे ना एक हॉल है जिसमें 800 लोग एक साथ मेडिटेशन कर सकते हैं, वो हॉल देखूंगा, हम लोग थोड़ा टाइम मेडिटेशन करेंगे, देखेंगे क्या सुकून है यहाँ पे, क्या फील है। फिर आपको पूरी चीज़ एक्सप्लोर आज करवानी ही है हमें, वीडियो के साथ बने रहें, स्किप मत करना, लेट्स गो। तो
वो कमेंट करके बताना ये डिंपल ने ये पहना है, देखो लुंगी उन्होंने पहना है, कैसा लग रहा है? देखियो इधर एक बार ऐसे कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है यार, बहुत प्यारा लग रहा है। इसने स्कर्ट पहनी हुई थी, बहुत प्यारी लग रही है। देखो शान कैसी लग रही है? भाई लग रही है। देखो यार कितनी बड़ी बेल है यहाँ पे, देखो ऐसे बजती है। एक मिनट बेटा बजाना, थुम, कितनी पीसफुल इसकी आवाज है ना जो बाद में सुनती है। देखो इतनी पीसफुल इसकी आवाज है यार, मजा आ गया। अरे ज्यादा मत बजाओ तुम्हें चोट लग जाएगी। चलो हमारे ये वाला एक्सप्लोर किया, अगर आप यहाँ पे आते हो ना ये जरूर बजाना, बहुत पीसफुल इसकी आवाज जो कानों में धुन जाती है ना, आह मजा आता है। चलो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन। फाइनली सेकंड चीज जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो ये है, यहाँ पे कुछ स्टैचूज लगे हुए हैं बड़े बड़े, बट यहाँ एक्टिविटी कुछ नहीं है, बट स्टैचूज है वो आपको दिखाता हूँ जो कितने प्यारे बने हुए हैं। ये स्टैचूज बने हुए हैं, देखो इन्होंने ये बेल उठा रखा है दोनों ने, ये वाला जो चीज है ना इन्होंने उठा रखी है। ये क्या है, मैं टच करके देखता हूँ, लोहे की है क्या? बजती है ये भी? हाँ बजती है, बट इसके साथ कोई बेल नहीं है, एक्टिविटी नहीं है, सो इसीलिए इसको इतना ही एक्सप्लोर करेंगे, देन उसके बाद चलते हैं आगे। क्या अपना मेरी बिल्कुल नानी की तरह लग रहे हो? हाँ, नानी की तरह। मेरी नानी की तरह लग रहे हो? हाँ। आ रही है ना? हाँ। सॉरी मैं टकरा गया था आपसे, इसके लिए माफी मांगता हूँ। अच्छा आप कहाँ से आए हो? औरंगाबाद से। सिर्फ यहाँ देखने आए हो? देखने वाले औरंगाबाद से सिर्फ टेम्पल देखने आए हैं। आई लाइक दैट, थैंक यू नानी। मैं डर गई, मैं बोली मैंने कुछ किया, चिल्ला रहे हैं। इसकी जो बनावट है ना, इसका जो प्रॉपर मटेरियल लगा है ना, मुझे तो किस चीज का है, है तो वैसे पत्थर ही है ना, बट ऐसा लग नहीं रहा है। बहुत ही अच्छे तरीके से जो डिजाइन किया गया है, बहुत ही यूनिक चीज बनाई गई है। मैंने फर्स्ट टाइम इंडिया में ऐसा कुछ देखा है, लिटरली मैं बहुत घूमा हूँ बट ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। और इसको शायद टंग वो बोलते हैं। वीडियो बंद करो, परमिशन है। मैं पहुंच गया हूँ ना अशोका चक्कर जो हमारे तिरंगे में होता है ना, वो बहुत प्यारा दिख रहा है, मैं सिनेमैटिक में दिखाता हूँ वो। ऐतिहासिक चीजें भी हैं और ऐसी भी चीजें हैं जो बहुत प्यारी दिखती हैं यार, बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखती हैं। यहाँ से है ना जो मंदिर बहुत प्यारा दिख रहा है, देखो भाई इस मंदिर में इतना कुछ है ना, मुझे समझ में नहीं आ रही, मैं क्या बताऊं क्या ना बताऊं, इतनी खूबसूरती है ना इस मंदिर की, समझ में नहीं आ रहा क्या बताना चाहता हूं मैं क्या नहीं बताना चाहता हूं। बस जैसा भी है भाई देख लेना, मजा आएगा। मजा आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, वरना आपकी मर्जी है तो भी कर देना ना यार, हमारा भाई इतनी मेहनत करता है यार, कर दियो। फिलहाल ना मैं कैंटीन में जा रहा हूँ, यहाँ पे पानी वानी पीने बहुत ज्यादा प्यास लगी है मुझे। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू, कैसे हो आप सब? अच्छा आप लोगों को देखते हो यहाँ पे, लोग क्या करने आते हैं? और वो काम नहीं है आपको देखने के लिए? चल कोई बात नहीं, देखो अच्छे अच्छे लोगों को है ना, मिलते हैं फिर कभी आके अपन। सो भाई जो ये लगा हुआ है ना यहाँ पे चक्कर, ये पूरा गोल्ड का बना हुआ है ऊपर जो लगा है, ये बहुत बड़ा है, आपको फोन में छोटा दिख रहा होगा है ना। तो दूसरी बात, इसका जो पत्थर है ना ये बहुत यूनिक पत्थर है, बिकॉज इसके बाहर है ना आवाज़ ना तो जा सकती है ना आ सकती है, ये पूरा इसी पत्थर का बना हुआ है, देख सकते हो आप। मुझे लगा था अंदर की वीडियो में नहीं बना पाऊंगा बट बना पाया। एक बहुत बुरी बात है कि हम इस जगह पे अंदर बैठ के मेडिटेशन नहीं कर सकते, मेरा बहुत मन था बट वो लोग बोल रहे हैं कि अब बाहर बाहर से देखो और बाहर बाहर के देख के जाओ है ना। सो यार हम लोग थोड़ा थक गए थे, अंदर एक्सप्लोर किया काफ़ी चीज़ें मैंने आपको दिखाई, बट उसके और अंदर जाना था मुझे, बट वहाँ पे नहीं जा पाया, मेरी किस्मत में नहीं है, कोई बात नहीं है ना। और बताओ निम्पू कैसा लगा तुम्हें? अच्छा वो गाना सुनाओ ना। अरे सुना दो एक बार, सुना दो लोगों को, सुना दीवाना मना ले करते। अच्छा इसका मतलब बताओ हिंदी में, इसका मतलब कैसे डिंपल आ रहा है गाल पर और मन को दीवाना कर रहा है। अरे मन को दीवाना कर रहा है इसका डिंपल। ओ मंदिर में ऐसी गंदी गंदी बातें नहीं, मंदिर में ऐसा कुछ नहीं, नजर लग जाएगी। यार जो मेरे पीछे बना हुआ है ना ये, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो पीछे वाला भाई कितना ही प्यारा लग रहा है यार। ये क्या लिखा है? गुरुजी निवास। गुरुजी का निवास मतलब जो गुरु थे यहाँ के वो यहाँ रहते थे। यहाँ पे क्या लिखा है मैं आपको बताता हूँ, धामा पटना विपासना सेंटर, ये एक मतलब वो इनका चैरिटेबल जैसा कुछ होता है ना, तो वो यहाँ रहते थे जो इनके गुरु थे। भाई कितनी प्यारी जगह बनाई हुई है यार, मतलब कोई लफ्ज़ नहीं है मेरे पास इसके कहने के लिए। और गाइडेंस
इतनी प्रॉपर गाइडेंस, जैसे गुरुजी का निवास है ना, यहाँ पे लिखा है गुरुजी का निवास, वो पत्थर आहा कितना प्यारा पत्थर लगा हुआ है ना, तो हर जगह एक एक पॉइंट पे एक एक चीज पे लगा हुआ है कि तुम ये करो ऐसा करो वैसा करो, हर जगह लगा हुआ है भाई। सुबह से आए हुए हैं, 12 बजे से आए थे, 4-5 बज गए हैं, इतना मजा आ रहा है ना यहाँ पे। और ये प्रॉपर जो गुरुजी का निवास है ना, ये देख के तो मुझे मजा ही आ गया यार, और इसकी तो कोई जवाब ही नहीं है ये वाली चीज का तो। और है ना ये कम से कम 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर से दिखता है और लोग यहाँ आते हैं, फुल मजा है, फुल फील है। आप भी आओ एंजॉय करो, नीरज वीरज सब यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, आप भी आओ एंजॉय करो, जिस चीज को एक्सप्लोर करो एक बार जरूर। और है ना यहाँ पे बाहर से भी लोग आते हैं, फॉरेनर बहुत आते हैं यहाँ पे वो करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। कोई चीज ही ऐसी है जो चीज अच्छी होती है उसको हर कोई बंदा दिखता ही दिखता है। यार अंदर इतना पीस है ना कि यार अब जोर से बोलने का मन भी नहीं कर रहा है, पता है अभी मेरे को लगता है कि घर जाने का टाइम हो गया है, 6 बज गए हैं, 6 बजे 6:30 पर ये बंद हो जाता है ना। तो अगर आपको ना ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, और आप ये जगह पे जरूर आना एक बार, है ना, एक्सप्लोर करना। लास्ट टाइम देख लो पीछे से, ऐसी जगह एक्सप्लोर करो कि यार मज़ा आ जाए, है ना। मेरे को बहुत मज़ा आया, अभी ऊँचा बोलने का मन ही नहीं कर रहा, अंदर इतना पीस इतना शांति है, सब शांत हो गया, मैं भी शांत हो गया बहुत ज़्यादा यार, है ना। वीडियो अगर पसंद आया लाइक कमेंट शेयर करना, और मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो।